हेलो रोन, वेलकम बैक टू वाल बंदा। तो गाइस, पहली बार Realme 3 Pro पर कोई बूट लगर फ्रोम रिलीज हुई है, और वो भी आई एम रोहित के थ्रू, जिन्होंने हमें सुपीरियर ओएस दी रखी है। तो गाइस, दिक्कत ये आ रही है कि कुछ लोग जो है वो रोम को फ्लैश नहीं कर पा रहे, उनको बूट लूप्स वगैरह आ रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है। तो यार, ऐसे कैसे हो रहा है वो हम देखना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन बता दूं। गाइस, हम सिर्फ ऑफिशियल पोस्ट पर जो प्रोसीजर लिखा है वही फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे रोम बूट नहीं होती है। तो यार, सबसे पहले जो पोस्ट पर लिखा है वो लिखा है कि आपको Realme UI फर्मवेयर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं Realme UI इंस्टॉल कर लेता हूँ। हालांकि मैं पहले से Realme UI पर हूँ, पर आप लोगों को दिखाने के लिए एक और बार मैं यहाँ पर Realme UI फर्मवेयर फ्लैश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा स्टॉक में और Realme UI जो C05 है वो मैं यहाँ पर फ्लैश कर लूँगा। इसको फ्लैश होने में लगभग 5 मिनट लग जाते हैं, तो मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा Realme UI फर्मवेयर फ्लैश हो गया है, जो कि पहली कंडीशन थी, जो कि कंडीशन थी, स्टेप नहीं थी। तो यार, हमारी जो कंडीशन है वो पास हो गई है। इसके बाद गाइस, जो पहली स्टेप है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है आपकी बूट लगर्स रोम, और दूसरी स्टेप में आपको कर लेनी है फ्लैश। तो यहाँ पर मैंने बूट लगर्स रोम डाउनलोड कर लिया, और इसको डायरेक्टली मैं फ्लैश कर लूँगा गाइस। इसके बाद आपको Realme UI फ्लैश करना है, उसके बाद आपको रोम फ्लैश कर लेना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी बूट लगर्स रोम भी फ्लैश हो चुकी है, पर क्योंकि हमने Realme UI फर्मवेयर फ्लैश किया, तो गाइस हमारा जो वीबी मेटा और रिकवरी है वो स्टॉक से रिप्लेस हो गई होगी। इसके लिए हमें यहाँ पर फ्लैश कर लेनी होगी रिकवरी प्लस वीबी मेटा, जो कि आपको पोस्ट में मेंशन नहीं मिलेगा। और गाइस, ये आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, मतलब रोम फ्लैश करने से पहले, मतलब मैं भूल गया, पर आप इसको बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकवरी में जाऊँगा और वीबी मेटा प्लस TWRP यहाँ पर फ्लैश कर लूँगा। और जैसे ये फ्लैश हो जाएगा, एक बार हमें रिबूट टू रिकवरी कर लेना होगा गाइस। तो ये फ्लैश हो चुका है, अब हम जाएंगे रिबूट पर और यहाँ पर रिकवरी पर क्लिक करेंगे, तो हमारा फ़ोन रिबूट टू रिकवरी हो जाएगा। गाइस, वापस अब हम TWRP में आ चुके हैं, और सबसे पहला काम आपको जो कर लेना है गाइस, वो ये है कि आपको जाना है वाइप पर और फॉर्मेट डेटा कर देना है गाइस। और इसके बाद आपको यहाँ पर YES टाइप करना है और राइट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका फ़ोन का जो डेटा है वो फॉर्मेट हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं, Realme UI फ्लैश कर लिया है, बूट लगर फ्लैश कर ली है, और फॉर्मेट डेटा कर लिया गाइस। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है गाइस इंस्टॉल पर, और आपको फ्लैश कर लेनी है यहाँ पर BitGaps। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको BitGaps R7 फ्लैश कर लेनी है Android 10 ARM64 के लिए। तो गाइस, अब यहाँ पर हमारी BitGaps भी फ्लैश हो चुकी है, और हमने वही किया है जो पोस्ट में मेंशन था गाइस। तो अब कैसे हमारी रोम बूट नहीं होती है, तो गाइस अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं रिबूट पर और यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम कर लेते हैं। और गाइस, अब यहाँ पर आ चुका है बूट लगर्स का बूट एनिमेशन, तो हम देखते हैं कि कैसे रोम बूट नहीं होती है, क्योंकि हमने वही फॉलो किया जो कि पोस्ट में मेंशन है। तो अब हम वेट करते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं कि बूट लगर का नाम यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब हमारा फ्लैश जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो गाइस, आप लोगों को ऐसे कैसे प्रॉब्लम आ रही थी मैं सोच रहा था। गाइस, पोस्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको पोस्ट जो है बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। गाइस, हम आ चुके होम स्क्रीन पर, और आपसे मैं यही कहना चाहता कि पोस्ट पढ़ना जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उस पर बहुत सी चीज़ें मेंशन रहती हैं जो हम कभी कभी स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं बूट लगर्स 5.1 पर, और इसी तरह आपको रोम को फ्लैश कर लेना था। वेलकम टू बूट लगर्स रोम ऑन Realme 3 Pro। गाइस, बूट लगर्स पहली बार Realme 3 Pro पर आई है, और जिस वर्जन के साथ ये आई है वो है वर्जन 5.1 अनचीजोफाइड अनऑफिशियल। इसके मेंटेनर गाइस आई एम रोहित, और यहाँ पर बिल्ड डेट आप देख सकते हैं जून 11 की दिख जाएगी। बिल्ड टाइप है अनचीजोफाइड अनऑफिशियल। एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने के लिए मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल जून 5 2020 लेटेस्ट। इसका म्यूजिकल कोड नेम भी है गाइस, जो कि है Lucid Dreams, और यहाँ पर मैं स्टॉक कर्नल यूज कर रहा हूँ, कोई भी कस्टम कर्नल मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है। तो गाइस, ये कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप बूट लगर्स का लोगो देख सकते हो। बाकी गाइस, अगर हम होम स्क्रीन पर चलते हैं तो आपको दिखेगा बूट लगर्स का वॉलपेपर। गाइस, जो लोगो आप होम स्क्रीन पर देख रहे हो बूट लगर्स का ऑफिशियल लोगो है, और इसका मतलब जो है चाइनीज में जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ज्या, और गाइस इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है होम, या फिर हिंदी में आप जिसको घर बोल सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम टू बूट लगर्स लिखा हुआ है, टैप टू लर्न मोर। गाइस, बाकी हम बात कर लेते हैं यूजर इंटरफेस की। तो यहाँ पर आपको नया वाला वॉल्यूम पैनल नहीं देखने के लिए मिलता है, ना ही पावर मेन्यू आपको देखने के लिए मिलता है। हालांकि पावर मेन्यू आप स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह एडवांस बूट ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम लॉन्चर की बात करें तो गाइस आपको मिल जाता है शीशु लेट्यूस लॉन्चर, और यहाँ पर जो है इसके आइकन पैक्स आप देख रहे हो, डिफॉल्ट आइकन पैक्स। जो सिस्टम डिफॉल्ट एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कैमरा मिल जाता है स्नैप कैमरा प्री इंस्टॉल्ड, जिसको आप फोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। गूगल कैमरा भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, जो कि इस पर वर्किंग मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर मिल जाता है, और फाइल्स तो मिलता ही है, साथ में गैलरी मिल जाती है आपको स्टॉक वाली। ये फोनोग्राफ म्यूजिक प्लेयर है गाइस, जिसको रिनेम करके ओनली म्यूजिक यहाँ पर कर दिया गया।
बाकी गाइस यहाँ पर कुछ भी आपको ब्लूटवेयर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि ईमेल ऐप है जो किसी काम की नहीं होती, हम आमतौर पर जीमेल यूज़ करते हैं। जीबोर्ड भी मैंने यहाँ पर अलग से इंस्टॉल कर रखा है, जीबोर्ड भी आपको इंस्टॉल नहीं मिलता है। गाइस आपको रोम के साथ फ्लैश करनी है बिट गैप्स, जैसा कि मैंने आपको इंस्टॉलेशन में बता ही दिया। तो यह है कुछ इसका ओवरव्यू, इसके जो स्टॉक एप्लीकेशन वगैरह है उसका। यूज़र इंटरफेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉप करते हैं हमारा स्टेटस बार क्यूएस पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इस पर जो कलर है ना अभी इसका यूज़र इंटरफेस का, वो क्रीम कलर है, वाइट नहीं है, पर आपको शायद वाइट लग रहा होगा। बाकी गाइस यहाँ पर आप जो है कस्टम फुटर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, कुछ यहाँ पर जो आइकन्स है टॉगल्स वगैरह, ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर है इसकी पोजीशन टॉप बॉटम कर सकते हो, और ये जो आपको बटन्स दिख रहे हैं सिंगल टैप बटन, इनसे आप एक एक पॉइंट आपकी ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस बटन इनेबल डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हो। लोकेशन में बंद कर दूँ। गाइस यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने के लिए मिल जाता है स्टॉक वाला, जो कि इंटरनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। एडिट बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या खास और है इसमें। तो गाइस इसमें आपको गेमिंग मोड का टाइल मिल जाता है, हेडसअप डिसेबल, साउंड सर्च, सिंक और वेदर वगैरह का कुछ खास मतलब ज़्यादा नहीं है यहाँ पर टाइल्स वगैरह। गाइस आप टॉप पर देख रहे हो एक बार दिख रहा है आपको, ये बैटरी बार जो कि मैंने इनेबल कर रखा है, और मैंने नॉच को हाइड भी कर रखा है ताकि आपको बैटरी बार ढंग से दिखा सकूं, वरना नॉच के पीछे हाइड हो जाता है। गाइस यहाँ पर वोल्टी आइकन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और यहाँ पर जो है मैंने ओल्ड स्टाइल नेटवर्क आइकन इनेबल कर रखे हैं, जिसकी वजह से आपको 4G आइकन के ऊपर दिख रहा है, वरना लेफ्ट साइड पर दिखता है। गाइस यहाँ पर आप बैटरी बार इनेबल कर सकते हो या फिर सर्कुलर, और यहाँ बैटरी परसेंटेज को हाइड भी कर सकते हो। यहाँ पर आप टाइम वगैरह देख रहे हो कि टाइम और डेट, तो ये भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। इसका आप फॉन्ट ज़रूर चेंज कर सकते हो, पर कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है गाइस आपको। बाकी वोल्टी आइकन का भी आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही वोल्टी आइकन यहाँ पर अवेलेबल है, डिफरेंट नहीं है। तो आप इसको या तो इनेबल कर दो या डिसेबल कर दो। नेटवर्क इंडिकेटर आप देख रहे हो गाइस, इसको भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ से। और गाइस यहाँ से आप स्टेटस बार पर स्वाइप करके जो है ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको स्टेटस बार के अंदर मिल जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन भी देख लेते हैं गाइस। तो लॉक स्क्रीन का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप जो क्लॉक है वो स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में जाके चेंज कर सकते हो, और इसका जो फॉन्ट है वो आप जाकर क्लॉक सेटिंग में मतलब लॉक स्क्रीन की सेटिंग में जाकर इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। बाकी गाइस आप ये जो नंबर है नोटिफिकेशन का, ये भी आप सेट कर सकते हो कि आपको मैक्सिमम कितनी नोटिफिकेशन रखनी है लॉक स्क्रीन पर। तो मैं बताता हूँ वो सब आप कैसे कर सकते हो। हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली सेटिंग्स के अंदर। पहले गाइस हम जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आप देख रहे हो कि डार्क थीम का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो डार्क थीम गाइस आपको इसमें वर्किंग मिल जाता है। आपको डार्क थीम के डिफरेंट ऑप्शन देखना है तो मैं बताता हूँ आपको कहाँ जाना होगा। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर आइस, शिशु फाइट, डार्क ट्रीम वगैरह जो भी दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप कस्टम में जाओगे तब जाकर आपको यूआई स्टाइल देखने के लिए मिलेगा, और डिफरेंट डार्क मोड के ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस सेम होता है यहाँ पर हमारे जो है लाइट मोड की तरफ से। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर में जाएंगे तो डिफरेंट लाइट मोड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि वाइट, ट्रांसपेरेंट, और मतलब ये ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये क्रीम वाला जो मैंने लगा रखा है। तो अब आपको शायद लग रहा होगा कि क्रीम मैंने यहाँ पर लगा रखा है, अगर आप डिफरेंशिएशन देख सकते हैं कलर्स के बीच में, तो मैंने क्रीम लगा रखा है जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। गाइस यहाँ से आप अपना खुद का कस्टम स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से आप पहले यूआई स्टाइल चूज़ करो, उसके बाद आप एक्सेंट कलर चूज़ कर लो, जैसे कि रेड वगैरह। तो मैं यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ इस बार, तो ब्लू कर लिया है, ब्लू नहीं है, पता नहीं क्या है, वायलेट वगैरह। यहाँ से आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, काफ़ी सारे सिस्टम फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं ये लास्ट वाला चूज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट दबाऊंगा। यहाँ से आप आइकन स्टाइल चूज़ कर सकते हो, हॉलो वगैरह, सर्कुलर वगैरह जो आपको पता है। तो यहाँ पर हम सर्कुलर चूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से आप ऐप का जो शेप होता है आइकन शेप, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी स्क्वायर रखा हुआ है, स्क्वायर और राउंडेड कॉर्नर्स। तो ये आपका कस्टम स्टाइल क्रिएट हो गया, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो और अप्लाई कर दो, तो आपका स्टाइल यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा स्टाइल चेंज हो गया, और फॉन्ट भी यहाँ पर अब चेंज हो चुका है। इसी तरीके से गाइस अब हम जाएंगे यहाँ से क्लॉक में, और क्लॉक में जाकर आप देखोगे तो कस्टम सारी मतलब काफ़ी सारी यहाँ पर क्लॉक आपको देखने के लिए मिल रही हैं। फिलहाल हमने जो लॉक स्क्रीन पर क्लॉक लगा रखी है वो ये बॉक्स के अंदर एक आपको नज़र आती है, इसको हम चेंज करते हैं गाइस। और यहाँ पर मैं ऑरोनो लगा लेता हूँ और देखते हैं कि कैसा यहाँ पर नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा क्लॉक जो है वो चेंज हो गया, और इसका जो कलर है वो वॉलपेपर से काफ़ी मैच हो रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्लॉक्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी अप्लाई करके रख सकते हो। वॉलपेपर्स की बात करें तो मैंने जैसा कि आपसे बोला है कि ऑन डिवाइस वॉलपेपर्स पे आपको सिर्फ एक ही वॉलपेपर देखने के लिए मिलेगा, बाकी अगर आपको शीशु के और वॉलपेपर देखने तो आपको शीशु फाइट में जाना होगा। और यहाँ से काफ़ी सारे वॉलपेपर्स आप देख सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल है गाइस, जितने भी नंबर आप यहाँ ऊपर देख रहे हो काफ़ी सारे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, और कोई भी यहाँ पर आप अप्लाई करके रख सकते हो। जैसे कि अगर मुझे ये करना है तो आपको यहाँ सिर्फ लॉन्ग होल्ड करना होगा और फिर अप्लाई फॉर बोथ, और यहाँ पर हमारे जो वॉलपेपर वो अप्लाई हो चुका है गाइस। और अब हम फिर से यहाँ से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, डिस्प्ले के अंदर।
गाइस यहाँ से आप स्क्रीन टाइम आउट वगैरह सेट कर सकते हो, ऑटो रोटेट वगैरह, और डिस्प्ले की विद डिस्प्ले साइज नॉच बिहेवियर जैसे कि मैंने हाइड कर रखा है, आप चाहो तो यहाँ पर डिफॉल्ट भी कर लो। तो हमारा यहाँ पर जो है यूआई रिस्टार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी बार जो है थोड़ा सा हाइड हो जाता है, तो इसको भी हम जो है इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे कर सकते हैं। बाकी गाइस आप यहाँ पर लॉक स्क्रीन डिस्प्ले पर जाओगे तो यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन हाइड वगैरह कर सकते हो, यहाँ पर कस्टम यूजर्स ऐड कर सकते हो, आप कस्टम लॉक स्क्रीन मैसेज ऐड कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले गाइस आपको यहाँ पर वर्किंग मिल जाता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको वर्किंग है, और यहाँ पर जो है न्यू नोटिफिकेशन वगैरह एम्बिएंट वेक जैसे आप यूज़ कर सकते हो डिस्प्ले को वेक करने के लिए। बाकी ये अब डबल टैप टू वेक हम चेक कर लेते हैं। और हम चलते हैं हमारे बूटलैग डंपस्टर में, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। स्टेटस बार का गाइस मैंने आपको लगभग बता दिया है जो जो आप कर सकते हो, तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्विक सेटिंग में चलेंगे, क्योंकि स्टेटस बार के बारे में सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। गाइस क्विक सेटिंग में आप देखेंगे कि यहाँ पर शो परमिशन शिप का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो इससे क्या होता है गाइस, अगर आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे होते हो और वो कोई भी परमिशन यूज़ कर रही होती है वो एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखता होगा। जैसे कि अगर आपका जो माइक्रोफोन है यूज़ में है तो यहाँ पर आपको माइक का लोगो दिखता है, कैमरा यूज़ में तो कैमरा का लोगो दिखता है। तो गाइस वो अगर आपको अनोइंग लगता है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। ब्राइटनेस स्लाइडर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, उसकी पोजीशन टॉप बॉटम कर सकते हो, ब्राइटनेस आइकन इनेबल कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो गाइस आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन के पैनल का जो नीचे का एरिया है यहाँ पर इसको आप ब्लर कर सकते हो। और यहाँ पर कस्टम फुटर टेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। हेडर की बात करें तो गाइस कस्टम हेडर इमेजेस यहाँ पर आप अप्लाई करके रख सकते हो, और काफ़ी सारी यहाँ पर स्टेटिक अवेलेबल मिल जाती है आपको बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड हेडर इमेजेस। और यहाँ पर हम बात करते हैं म्यूजिक टाइल ट्रैक वगैरह की, तो ये भी आप इनेबल कर सकते हो क्यूएस पैनल पर। तो वाइब्रेट का ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो अगर आपको फीडबैक चाहिए। हार्डवेयर बटन्स की बात करें तो खाली आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो आपके वॉल्यूम रॉकर से, और स्क्रीन ऑफ टॉर्च वाला जो जेस्चर है वो इनेबल कर सकते हो। लॉक स्क्रीन की बात कर ले तो गाइस यहाँ पर आपको वेदर इन्फॉर्मेशन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर कुछ सेटिंग मिल जाती है वेदर से रिलेटेड। कस्टम नोटिफिकेशन काउंट गाइस इस ऑप्शन को इनेबल करोगे तो आप जो मैक्सिमम नोटिफिकेशन चाहते हो आपकी लॉक स्क्रीन पर वो सेट कर सकते हो। क्लॉक फॉन्ट जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि अभी हमारा क्लॉक फॉन्ट जो है अभी तैयार ही है, ग्राफिकल क्लॉक लगी है, बाकी इससे जो है आप अपना क्लॉक का फॉन्ट चेंज कर सकते हो। काफ़ी सारे फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन वगैरह ऑन कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, एफपी अनलॉक गाइस अगर आप इसको इनेबल करोगे तो पहले रिबूट के बाद आपको आपका जो पैटर्न वगैरह या फिर लॉक है वही डालना पड़ेगा। अगर आप एफपी से अनलॉक करते हो तो आपकी जो लोडिंग है वो ऐप्स की लोडिंग होती रह जाएगी। तो डबल टैप टू स्लीप और डबल टैप टू वेक दोनों ही यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि इसकी मैंने डबल टैप किया तो यहाँ पर हमारा एम्बिएंट डिस्प्ले आ गया है। अब चलते गए हम नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पर आपको बैटरी चार्जिंग लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि एलईडी हार्डवेयर नहीं है हमारे पास। हेड्स अप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और किल ऐप बटन आप इनेबल कर सकते हो, बाकी कुछ भी खास आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखता। और किस अफसोस की बात है कि इसमें आपको एज लाइटिंग ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अब डायरेक्टली पावर मेन्यू के अंदर। पावर मेन्यू में आप स्क्रीन रिकॉर्डर इनेबल कर सकते हो, स्क्रीन शॉट, और ये जितने भी ऑप्शन आप देख रहे हो एडवांस रिबूट वगैरह सब यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो। अब चलते गए हम एनिमेशन में, तो एनिमेशन में सिर्फ आपको स्क्रीन ऑफ एनिमेशन देखने के लिए मिल जाता है, बाकी सिस्टम एनिमेशन का ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है। और स्क्रीन ऑफ एनिमेशन में आपको सिर्फ सीआरटी और स्केल या फिर नो एनिमेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और हम चलते हैं यहाँ से जेस्चर्स के अंदर, तो जेस्चर में यूएसपी जेस्चर में आपको सिस्टम नेविगेशन मिल जाएगा, जिसमें टू बटन थ्री बटन और कंप्लीट जेस्चर नेविगेशन यूज कर सकते हो, जिसकी सेंसिटिविटी और लेंथ आप सेट कर सकते हो, और नेविगेशन बार का जो पेल होता है वो आप हाइड भी कर सकते हो, और बैक बटन पर हैप्टिक फीडबैक भी आप इनेबल कर सकते हो, प्रिवेंट रिंगिंग वाला जेस्चर आप इनेबल कर सकते हो, और यहाँ पर आप थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट वाला जो जेस्चर है वो भी इनेबल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट के बारे में बता दूं गाइस, तो पहले हम यहाँ पर चलते हैं मिसलेनियस के अंदर। यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको फुल और पार्शियल का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी अगर आप लॉन्ग शॉट लेना चाहते हो तो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है लॉन्ग शॉट का। ये देखिए गाइस आप कंप्लीटली जो है लॉन्ग वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो। तो और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अब गेमिंग मोड की, तो गेमिंग मोड भी आपको मिल जाता है, आप इसको ओपन कर सकते हो और अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। सस्पेंड एक्शंस का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, बैटरी सेविंग के काम में आता है। जो एग्रेसिव मोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है बैटरी के लिए, तो आप वो भी इनेबल कर सकते हो। और सिग्नेचर स्पूफिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फुल स्क्रीन ऐप्स का भी ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऐप जो है फुल स्क्रीन पर काम नहीं करी तो यहाँ से जाकर उसके लिए फुल स्क्रीन आप इनेबल कर सकते हो। बाकी गाइस यहाँ पर जो है हमने सब कुछ देख लिया है। अबाउट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है मेंटेनर डेवलपर वगैरह सबकी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है बूट लगर्स के लिए। बाकी यार हमने सब कुछ यहाँ पर देख लिया कि क्या आप कर सकते हो कंट्रोल। और यार यहाँ पर मुझे ये जो थीम है इसका क्रीम वाला वो बहुत बेहतरीन लगता है। यहाँ पर आप आइकन्स देख सकते हैं पूरे चेंज है, ये जो थीम यूजर इंटरफेस है वो बहुत बेहतरीन लगता है। तो
तो देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, पर जितना है वो बहुत बेहतरीन है, काफ़ी है, और ये देखने में बहुत बेहतरीन लगता है मुझे। इसका जो ये क्रीम वाला यूजर इंटरफेस स्टाइल है वो मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। कहीं आपको कोई भी यहाँ पर जो है डिजिटल वेलबिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बिट गैप फ्लैश कर रखी है। बाकी सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको वर्किंग मिल जाता है अच्छे से। यहाँ पर अच्छे से फिंगरप्रिंट काम करता है, और फेस अनलॉक यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर हम साउंड में जाते हैं तो साउंड में जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रिंगटोन सेट देखने के लिए नहीं मिलती है, तो आप अपने आप इसको मतलब मैनुअली सेट कर लेना रिंगटोन्स वगैरह और साउंड वगैरह कंट्रोल कर लेना। वाइब्रेट का ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो, और जो वाइब्रेशन के जो पैटर्न होते हैं वो आप उसका ऑप्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। बाकी जो सिस्टम साउंड जो आप इनेबल कर सकते हो टच वगैरह के। तो अब हम यहाँ से बैक चलते हैं, हमने कम्प्लीटली ट्रैवल कर लिया है। सिस्टम में जाते हैं, डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे, और यहाँ पर आप मेमोरी देखोगे तो गाइस अभी जो है फ्री है 715 MB, इतनी मेमोरी कहाँ जा रही है पता नहीं लग रहा, और कुछ खास यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो यार जहाँ तक कि मैंने अभी तक रोम यूज़ किया है, मुझे कोई भी UI से रिलेटेड यहाँ पर क्रैश नज़र नहीं आया, या फिर कोई भी लैग वगैरह नज़र नहीं आया यूजर इंटरफेस में। सारे एनिमेशन बहुत स्मूथ हैं और बहुत ही परफेक्ट हैं। तो यार यहाँ पर UI से रिलेटेड तो कोई लैग नहीं है। पर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी की। तो यार अभी मैंने फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, पर जितना यूज़ किया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी 3 hour 11 minutes का स्क्रीन ऑन यूजेज है, और 74% बैटरी अभी भी लेफ्ट है। यहाँ पर मेरे यूजेज में आपको बता देता हूँ, तो गाइस आप देख सकते हैं 1 hour तक मैंने अभी काइन मास्टर यूज़ कर लिया है एडिटिंग के लिए। टेलीग्राम मैंने 36 minutes, और यहाँ पर जो लॉन्चर है हमारा वो 17 minutes से बैकग्राउंड में रनिंग है। और पबजी यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी इंस्टॉलेशन की है और अपना अकाउंट वगैरह लॉगिन किया है, इसमें 5 minutes का यूजेज हो गया है। तो अभी गाइस जो नॉर्मल यूजेज है, हालांकि काइन मास्टर बहुत बैटरी लेता है पर अभी तक ज़्यादा बैटरी यहाँ पर उसने ली नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 hour 11 minutes का यूजेज हो गया। अब हम क्या करेंगे गाइस कि यहाँ पर हम खेलेंगे पबजी का एक आध गेम, और फिर देखते हैं कि बैटरी किस तरीके से ड्रेन वगैरह होती है। तो अभी हमने कोई कर्नल मैनेजर इंस्टॉल नहीं किया, पर आप देख सकते हैं कि अभी 74% बैटरी और 513 हो रहा है। तो हम यहाँ पर लॉन्च कर लेते हैं पबजी। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हमारी पबजी की लॉबी पर, और हम देख लेते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट कौन से सेटिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं ग्राफिक्स के अंदर, यहाँ आप देख रही है HDI हमें बाय डिफॉल्ट सेट मिला है। तो गाइस अब हम यहाँ पर HDI पर ही पहले गेम खेलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ग्राफिक्स को डाउनग्रेड करेंगे। जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि मेरा जो मानना है वो ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपको HDI पर पबजी ग्राफिक्स सेट करके देता है, तब आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है HDI पर। तो वही हम आज फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा गेम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी लॉन्च लॉबी पर, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा मानना है कि तो यहाँ पर एक बार फिर से सच हो रहा है, HDI ग्राफिक्स पर मुझे कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए नहीं मिल रहा है गाइस। तो यार अब तो यकीन कर लो कि ऐसा होता है अगर आपको बाय डिफॉल्ट पबजी HDI पर सेट करके देता है। ये देख सकते हैं आप HD है, बाय डिफॉल्ट अगर आपको पबजी HDI पर ग्राफिक्स सेट करके देता है तो वो बेस्ट सेटिंग होती है गाइस। अगर आप उसके साथ कुछ भी छेड़ करोगे तो यार वो ज़रूर आपको फ्रेम ड्रॉप देने लग जाएगा। ओ भाई, तो आते ही साथ पिटाई शुरू हो गई है और मुझे कोई गन वगैरह नहीं मिली है। अरे भैया, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, हट जा। शिट मैन, जितनी देर में भागने की जरूरत है उतनी देर में उसे 2-3 मुक्के मार देता तो वो मर जाता। तो हमने बुरी तरह हारने के बाद एक और बार गेम लगा लिया है, और अभी भी परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आ रहा है। तो ये सेम लोकेशन में हम फिर से आ चुके हैं एक बार। अरे भाई, फिर पिटाई होगी यार, मेरे को भागना पड़ेगा यहाँ से। कुछ नहीं हो सकता भाई मेरा, मैं ऐसे ही नूब रहूँगा जिंदगी भर। तो इस बार मैंने सोच लिया है कि मैं इस बार अपनी स्क्वाड के साथ ही जंप करूँगा। तो हम आ गए हैं मिरामर, और अरे भाई ये क्या हुआ, हमारी पिंग लगता है थोड़ी हाई है। और आइटम हेवन है, तो यार कोई अच्छी सी गन तो मिल जानी चाहिए। यूजी यार, यूजी बेहतरीन है। तो यार अभी आपने देख ही लिया होगा कि जो HDI ग्राफिक्स है उस पर अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, फ्रेम ड्रॉप्स नहीं आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ज़रूर आएंगे, क्योंकि डिवाइस HD ग्राफिक्स पर बहुत गर्म हो जाती है और उसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप्स आने ही लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्विच करते हैं इस बैलेंस्ड अल्ट्रा पर। तो ये हमने बैलेंस अल्ट्रा कर लिया है, अब देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। और गाइस अब देखो आप, आने लगे ना फ्रेम ड्रॉप्स। हमने जैसे ही ग्राफिक्स के साथ छेड़खानी की वैसे ही हमारे फ्रेम ड्रॉप्स बढ़ गए। तो ऐसे ही होता है गाइस अगर आप डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स को छेड़ दो। तो फिर से हमारी मौत हो गई, और इस बार हम खेलेंगे गाइस अब
स्मूथ अल्ट्रा पर, और इस बार हम स्मूथ अल्ट्रा पर खेलेंगे गाइस। तो यार देखा जाए तो स्मूथ अल्ट्रा पर उतने फ्रेम ड्रॉप नहीं आ रहे जितने बैलेंस अल्ट्रा पर आ रहे थे। तो गाइस स्मूथ पर बहुत बेहतरीन ग्राफिक्स आ रहे हैं, मतलब स्मूथ पर लैग नहीं हो रहा है ना फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे हैं। ओ भाई कुटाई, बस भाई इससे ज़्यादा नहीं पिटूंगा मैं यार, ऐसे ही मेरा हर गेम एंड होता है। तो यार PUBG में जो है ना अच्छा मज़ा आ रहा है, अगर आप डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स पर खेलोगे तो बेहतरीन मज़ा आएगा, उसके साथ छेड़खानी करोगे तो फिर आप फ्रेम ड्रॉप्स झेलोगे। तो गाइस कितनी देर PUBG खेला होगा हम देख लेते हैं। तो 16 मिनट PUBG का यूजर हो गया और 6% बैटरी यहाँ पर चली गई है। ये तो यार सिमिलर है पिछली वाली वीडियो में, कुछ ऐसे ही होता है कि 16 मिनट में 6% बैटरी चली गई थी। तो यार गाइस आप देख सकते हो कि बैटरी जो है यहाँ पर नॉर्मल यूजेज हो रही है बैटरी का, मतलब बैटरी बहुत हाई ड्रेन वगैरह नहीं है। मैंने वहाँ पर कर्नल मैनेजर ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी थी तो आपको डिटेल यूज नहीं बता सकता बैटरी का, पर जैसे कि मैंने बहुत सारी रोम टेस्ट करी हुई है तो मैं बता सकता हूँ कि अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे देगी। अगर आप गेम नहीं खेलोगे गाइस तो ये बैटरी बैकअप 11 से 12 घंटे तक चल सकता है। अगर आप गेम खेलोगे तो गाइस नॉर्मल गेम खेलोगे तो 7-8 घंटे आपका फ़ोन चल जाएगा एक दिन में, और अगर आप कंटिन्यूसली गेमिंग करोगे तो गाइस 4.5 घंटे या फिर 4 घंटे में आपका फ़ोन डेड हो जाएगा। तो कुछ ये है मेरा प्रिडिक्शन बैटरी का इसको लेकर। तो बैटरी जो है बेहतरीन चल रही है, परफॉर्मेंस भी गाइस एक्सट्रीम है। अब गाइस हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि CTS प्रोफाइल वगैरह हमें ट्रू मिलती है या नहीं। तो मैंने मजेस कभी फ्लैश नहीं किया, मैं मजेस फ्लैश करके आता हूँ। तो गाइस मैंने मजेस फ्लैश कर लिया है और अभी तक मजेस अपडेट नहीं हुआ, तो उसको अपडेट होने देते हैं ऐप लिस्ट में, फिर हम देखेंगे कि हमारा CTS प्रोफाइल वगैरह यहाँ पर कैसा है। ओके मजिस्क आ गया भाई, जादू से मैजिक से मजिस्क आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर CTS प्रोफाइल वगैरह में ट्रू मिलता है या नहीं। तो हम करते हैं स्टार्ट टेस्ट, तो चेकिंग सेफ्टी नेट स्टेटस। ओके गाइस CTS प्रोफाइल और बेसिक इंटीग्रिटी दोनों ही हमें ट्रू मिल रहा है, और मजिस 20.3 मैंने फ्लैश कर रखा है, तो आपको भी फ्लैश कर लेना है और आप इस पर बैंकिंग ऐप्स यूज़ कर सकते हो। गाइस फाइनल जो मैं बोलना चाहूँगा इस रोम के बारे में वो ऐसा है कि इसको आप एज अ डेली ड्राइवर 100% यूज़ कर सकते हो, बेहतरीन रोम है, बैटरी भी अच्छी खासी है और गाइस गेमिंग भी अच्छी खासी है। और क्योंकि मैं इस रोम को रिलीज होने से पहले से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी टेस्टिंग की है, तो गाइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि इस रोम को आप एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं इसे काफ़ी पहले से यूज़ कर रहा था। तो गाइस बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और कस्टम रोम्स फ्लैश करते रहो। इस वीक में काफ़ी सारी रोम्स रिलीज़ हुई हैं और उनमें से एक रोम मेरी भी है, तो यार प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ अपने XG थ्रेड का, जाकर थैंक्स बटन दबा दो। और नेक्स्ट वीडियो हो सकती है इस एवोल्यूशन X 4.4 की।